बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम उपैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धावा के जो कूपर डैश आई सीरीज़ के डीवीआर हैं उससे एआई अलार्म यानी ह्यूमन और व्हीकल बेस्ड मोशन का अलार्म जो है किस तरह से जो है हम मोबाइल ऐप पे लेते हैं और किस तरह से कन्फिगर करते हैं P2P पे डिवाइस को, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें डिवाइस को P2P पे ऑनलाइन करने, जब ऑनलाइन सक्सेसफुल हो जाएगी स्टेटस में डिवाइस पे आप देखेंगे तो उसको हम स्कैन करेंगे QR कोड को, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और SN स्कैन, ये जो है मैं डिवाइस के सीरियल को मैंने स्कैन कर लिया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि कौन सी डिवाइस है भला, XVR है ये, XVR पे क्लिक करेंगे। XVR के बाद डिवाइस का पासवर्ड डालेंगे जो कि मेरे केस में 123 है, ठीक है। उसके बाद डिवाइस का नाम कूपर डैश आई है, I2 पे भी सेम होगा अगर आपने SMD का अलार्म कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कूपर डैश आई को हम P2P पे ऑनलाइन कर लेते हैं। ये जी मेरा एक कैमरा लगा हुआ है, मैं सामने हूँ, ये अगर मैं हाथ ही लाऊँ साथ, ठीक है। HD में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर HD में करेंगे तो रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अलार्म कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पुश अलार्म कैसे करना है, एक तो आपने वहाँ से डिवाइस से SMD या जो भी आपने अलार्म कॉन्फ़िगर किया हुआ वो आपने कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। फिर आपने डिवाइस पे क्या करना है, डिवाइस के अंदर जो है जिस कैमरे पे करना है उसको सिंगल स्प्लिट में खोल के और सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे ये आपका आ रहा है अलार्म सब्सक्राइब, अलार्म सब्सक्राइब कर लें आप और जो अलार्म आपने करने हैं कॉन्फ़िगर, जैसे अभी क्योंकि ये कूपर डैश आई है तो इसमें सिर्फ स्मार्ट मोशन डिटेक्शन का अलार्म है, SMD पे क्लिक करेंगे और कौन सी टाइप की मोशन चाहिए, ह्यूमन वाली चाहिए या सिर्फ गाड़ी वाली चाहिए, दोनों का भी कर सकते हैं, मैं अभी ह्यूमन की कर रहा हूँ, ठीक है। बैक करेंगे और सेव कर देंगे। ये इस कैमरे के ऊपर हमने SMD का नोटिफिकेशन इनेबल कर दिया है। वेरीफाई कैसे होगा, अभी मैं जो है कैमरे के सामने आता हूँ और ये साथ ही ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, मोशन डिटेक्शन ह्यूमन कूपर डैश आई DVR Channel 1, ठीक है। तो ये जो है इसकी वीडियो क्लिप के साथ इसने आपको मोबाइल पे भेज दिया है, ठीक है। अगर आपने इस को सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। तो ये जो है आपकी रिकॉर्डिंग भी हो गई और जो है अगर रिप्ले करें तो दोबारा से रिकॉर्डिंग करना है तो आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है रिकॉर्डिंग जो लोकल आपने की थी वो जो है कहाँ पर मिलेगी, आपको फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में ये दो आपके क्लिप्स आ रहे हैं जो आपने रिकॉर्ड किए थे फ्रॉम प्लेबैक, जब आपकी SMD की आपने अलार्म देखा था, ठीक है।